अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी, जो कि फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार बनती है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 आलू और 1 अदद अंडा। आलूओं को मैंने क्रश कर लिया है, उसमें 1 अंडा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब मैदा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर काली मिर्चें और वाइट पेपर जो होती है, सफ़ेद मिर्च होती है वो, और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आलू जो है वो हमारे पास रॉ हालत में होंगे, कोई बॉयल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसको जब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएँगे तो ये अच्छे से गल जाते हैं। एक पैन में आप ऑलिव ऑयल ले लें 2 टेबल स्पून या बटर ले लें। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं 2 टेबल स्पून, और उसके अंदर इस आधे बैटर को हम ऐड करेंगे और ढक्कन ढककर 2 से 3 मिनट जब इसको कुक कर लेंगे तो इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स करके। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी। लास्ट रेसिपी भी जो मैंने टर्किश ब्रेकफास्ट की शेयर की थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और ईजी सा ब्रेकफास्ट था वो भी। और ये भी ब्रेकफास्ट और डिनर, आप छोटे बच्चों को तो ये आप कभी भी बना के दें, उनकी ये फेवरेट हो जाएगी डेफिनेटली। इसके ऊपर मैंने चीज़ डाली थी और चीज़ के ऊपर मज़ीद जो मेरा आधा बैटर हमने रोक के रखा था वो इसको ऐड कर देंगे और इसको फिर ढककर 2 से 3 मिनट देंगे। जब इसकी एक साइड डन हो जाएगी तो बहुत ही प्यार के साथ इसको हम कर देंगे टर्न और अगेन इसको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि आलू कंप्लीट गल जाएं। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार होगी। यहाँ स्लो फ्लेम पे इसको अब मैंने ढक्कन हटा दिया है और स्लो फ्लेम पे बिल्कुल ये कुक हो रहा है। चेक करते रहना है कि जले नहीं, अगर हाफ फ्लेम तेज़ कर देंगे तो आलू कच्चे भी रह सकते हैं और जल भी सकता है अंडा, तो इसलिए इसको बिल्कुल आराम से पकने देना है। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसको केचप के साथ सर्व करें बच्चों को, बच्चे डेफिनेटली इसको पसंद करेंगे 101% फॉर श्योर। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए बजाज इनसाइट। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी और अच्छी और मज़ेदार सी वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।